एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है तारीख 10 जनवरी और टाइम हो रहा है सुबह की 8। तो देखो कोहरा कितना है, 8 बजे भी इतना कोहरा है कि कोई दिख भी नहीं रहा है। तो बस ओस भी खूब गिर रही है, तो ये देखो यहाँ पे गीला भी कितना है, पेड़ पौधे सब गीले हैं, ओस गिरी है तो। और इतना कोहरा है, मुझे लगता है वापस से ठंड लौट के आएगी। अभी तो इतनी एक भी मतलब ठंड नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि ठंड गायब हो गई। अब फिर से देखना, ये बादल की वजह से ठंड पड़ नहीं रही थी, अभी ये बादल एक से हो जाएंगे ना तो बहुत भयानक ठंड पड़ने वाली है। तो चाय भी मेरी बन गई है, मैं दे देती हूँ मम्मी के लिए और इनके लिए मैंने चाय बनाई है। चाय हमारी बनकर तैयार हो गई है, मैं जल्दी से दे देती हूँ इन लोग को। आइए आप सब लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। वैसे तो मैं खुद नहीं पीती हूँ चाय, बट मैं आप लोग को ज़रूर बोलती हूँ। मुझे चाय और दूध कॉफ़ी कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे मतलब दूध से तो एलर्जी टाइप की है, मतलब मैं दूध तो पी ही नहीं सकती हूँ। छोटे में पिया होगा, मैंने पिया होगा दूध, बाकी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूध से बनी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। दही वगैरह खा लेती हूँ, बट चाय भी कभी कभी पी लेती हूँ, बाकी मेरी रोज की नहीं है कि मुझे पीना ही है। तो अभी टाइम हो गया है 9 और ये देखो हमने ये लड्डू गोपाल रख दिए हैं फ्रिज के ऊपर। खाना जी हैं 100 पीस के, तो एक्चुअली ड्राइंग रूम में रखे थे बट वहाँ पर कोई लेटता था ना तो पैर वैर दिखता था, तो पापा ने यहाँ पर रखवा दिया है, तो किचन में रख गया है, अच्छे दर्शन होते रहे। सो गाइज ये है लाल भाजी, आज मैं बनाने वाली हूँ इसे। इसे मैंने वॉश करके रख लिया है, अभी इसे काटना है। और ये देखो मैंने एक बार बोला था ना आप लोग से धनिया के लिए, तो जो धनिया पाउडर होता है ना ये कच्ची धनिया है, यहाँ पर मिलती है, तो पापा सब्जी वगैरह बनाते हैं तो डालते रहते हैं। और मैंने दाल चढ़ा दी है। सो गाइज आज मैं बना रही हूँ भरमा बैगन, तो इस तरीके से मैंने ये देखो कट लगा दिया है और बैगन छोटे छोटे लिए हैं। देखो छोटे छोटे हैं, एक आधी हैं जो बड़े हों। और इसके लिए मैं बना रही हूँ मसाला, तो आप लोग को मैं बताती हूँ कि कैसे बनाती हूँ। बहुत अच्छे बने थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले मैंने ली है 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच ली है धना पाउडर, और मिर्ची ले लूँगी थोड़ी सी। आप अपने हिसाब से देख सकते हो कैसी खाना है, तेज तीखी खाना है या फिर फीकी खाना है। तो यहाँ पर ये सब साले मसाले मिला लिए हैं और ये नमक डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च का जो आता है ना वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा अमचूर भी डाल दिया था मैंने, एक्चुअली बताने के लिए भूल गई, फिर मुझे याद आया अमचूर भी डाला है मैंने। और अब ये डाल रही हूँ गरम मसाला, तो लगभग आधी चम्मच के हिसाब से सब कुछ आप लोग डाल सकते हैं, और ये सब मसाले को मिक्स कर लें अच्छे से। तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को बताती हूँ। पहले तो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँ मसाले को। तो बस ये कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, इसमें डाल देती हूँ ऑयल। ऑयल थोड़ा सा डालेंगे अभी, अभी मैं बना रही हूँ मसाला इसका। तो इसके लिए मैंने ना एक प्याज को किस लें या फिर मिक्सी में पीस लें, जैसा भी आप लोग को सही लगे। तो ये गर्म हो गया है तेल, इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और बस इसके बाद मैंने थोड़ी सी डाल दी है हींग। और मेरे हाथ में ही है फ़ोन तो इसलिए वो वीडियो हिल रहा है। और इसके बाद ये डाल दिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि भरमा वैगन बना रहे हैं। तो ये अदरक और लहसुन को मैंने थोड़ा सा भून लिया है, तो हल्का वो खड़ा हो गया है बट बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। थोड़ा सा ज़्यादा खड़ा हो जाता है तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये मैं जब तक ये अच्छे से और भून जाए, और ये मैंने प्याज जो है पीस ली थी, 1 से 1.5 प्याज मैंने पीस ली थी, और बस इसमें ऐड कर दूंगी। मसाला भून गया था अदरक लहसुन, तो इसके बाद ये मैंने ऐड कर दी है प्याज। तो बस इसे भून लेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आप लोग को बताती हूँ। तो अब मैं ले रही हूँ बेसन, तो ये देखो 1 से 2 चम्मच मैंने ये बेसन इसमें डाल दिया है। प्याज भून गई थी उसके बाद डाला है बेसन, तो इसे भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा था बाद में, तो फिर मैं थोड़ा सा और डाल दी थी, और बेसन थोड़ा सा और ऐड कर दिया है मैंने। और ये जो मसाला बनाकर रखा था वो बेसन और प्याज ऐसे से भून गई, उसके बाद ये ऐड कर दिया है जो मैंने मसाला बनाकर रखा था। तो बस इसे भी भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए, और बस मसाला भी भुन गया है। इसके बाद मैंने ये डाल दिया है इसमें दही, 2-3 चम्मच डाल दिया है दही, और बढ़िया से इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। तो बहुत अच्छा ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने और डाल दिया है 2-3 चम्मच से ज़्यादा ही डाला है मैंने, 4 चम्मच डाला है दही, और बस इसे अच्छे से भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और ये मसाला तैयार हो गया है, ठंडा होने के बाद इसे मैंने उसमें भर दिया है बैगन में।
एक्चुअली एक हाथ से वीडियो बनाना था, एक हाथ से भरना था, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई भरते टाइम का। तो ये देखो डायरेक्ट आप लोग को भरने के बाद का दिखा रही हूँ। तो ये मैंने भर लिया है और फिर से यही पैन में मैं ऑयल डाल दूँगी और बस इसे ऐसे ही रख देंगे। थोड़े से मैंने आलू भी डाल दिए थे, एक्चुअली बैंगन थोड़े कम लग रहे थे तो मैंने आलू भी डाल दिए थे। मम्मी ने बोला आलू डाल दो, तो मैंने छोटे छोटे पीस में आलू भी डाल दिए थे और इस तरीके से ऑयल डालकर कढ़ाई में रख दिए हैं बैंगन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक हाथ से मोबाइल मतलब वीडियो शूट कर रही थी, एक हाथ से ये काम भी कर रही थी, इसलिए वो ऐसा वीडियो आया है। तो प्लीज़ आप लोग उसको माइंड मत करना और बस इसे ढककर पका लेंगे 15-20 मिनट में। अच्छे से ढककर पकाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे। तो ये बैंगन हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, भरमा बैंगन। और इसके बाद मैं आ गई थी रूम में, खाना वगैरह हो गया था। तो एक्चुअली आज जाने वाली हूँ मैं कहीं, आप लोग को पता चलेगा आगे। तो ये मैंने साड़ी वगैरह सब निकाल कर रख ली है जो मुझे पहन के जाना है। ये वाली साड़ी पहनी है मैंने और अब एक्चुअली आज मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ, ताई जी के यहाँ। भाभी किटी कर रही हैं तो हम लोग को बुलाई हुई हैं, तो बस मैं तैयार हो गई हूँ। मैं और दी जा रहे हैं वहाँ पर, अगर हो पाया तो व्लॉग वहाँ का शायद ही बन पाएगा। तो चलिए फिर मैं आप लोग को आकर मिलती हूँ, अगर हो पाएगा तो ले लूँगी, नहीं होगा तो फिर आकर मिलूँगी आप लोग से। तो चलिए अभी चलती हूँ मैं। सो गाइज, ये देखो येल्लो साड़ी की थीम थी तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, शादी की साड़ी है मेरी। तो बस इसको पहन लिए मैंने, कैसी लग रही है बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। सो गाइज, अभी 3 बज गए हैं तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, ये हम लोग को छोड़ने जा रहे हैं। तो दीदी बस आगे बैठ रही थी, मैं पीछे बैठ रही थी। एक्चुअली कई लोग पूछेंगे कि आप पीछे क्यों बैठते हो, तो अच्छा नहीं लगता है आगे बैठना जब दीदी जाती हैं, तो मुझे खुद में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बोल देती हूँ आप आगे बैठ जाओ, वो बोलते हैं मुझसे भाभी आगे बैठो, बट मैं खुद नहीं बैठती हूँ। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं ताई जी के घर के लिए। तो बस ये आ गया है रपटा, हम लोग जाते हैं इधर से तो रपटा हमें पड़ता ही है, तो बहुत अच्छा लगता है इधर पे। कई बार देख लिया होगा आपने मेरी वीडियो में, तो बस ये रास्ता ही यही है, यहीं से ही जाना। सो गाइज, वहाँ पर मैंने वीडियो लिया नहीं था, फोटो जरूर क्लिक किए हमने जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारी मेरी भाभी लोग हैं और एक मेरी फ्रेंड में भी आती हैं, भाभी भी हैं, तो ये सब भाभियाँ हैं, ताई जी की बहू हैं। तो बस हमने बहुत इंजॉय किया। मकर संक्रांति थीम थी तो वो काइट्स वगैरह लगी हुई है थीम में, ये देखो साइड में दिख रहा होगा आप लोग को। तो बहुत एंजॉय किया हम लोग ने, वीडियो नहीं ले पाई थी। पार्टी होने के बाद हम लोग मार्केट निकल आए थे, मार्केट में कुछ काम था दीदी को, तो यहाँ पर स्टोर से कुछ सामान वगैरह लिया हमने, फेशियल का किट वगैरह लेना था हमें, वो लिया, और मुझे भी इयररिंग्स वगैरह लेनी थी तो वो लिया, और ये भी थे लेने आ गए थे हम लोग को वापस घर के लिए। और इसके बाद फिर दीदी को और भी कुछ काम था मार्केट का। तो बस ये था आज का ब्लॉग मेरा, आप उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोग तक पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।